अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने अंतिम चरणों में हैं। प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए राजस्थान से 650 किलोग्राम शुद्ध देसी घी, थाईलैंड से मिट्टी, कंबोडिया से हल्दी आज अयोध्या पहुंची। घी को 5 बैलगाड़ी पर लादकर 108 कलश में भरकर पैदल लाया गया है। इनके साथ ही 108 छोटे शिवलिंग भी आए हैं। दरअसल जोधपुर के गौशाला का संचालन करने वाले महर्षि संदीपन महाराज ने 9 साल पहले संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा तो उनकी गौशाला के घी से मंदिर की अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाएगी, जिसके बाद आज करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय करके घी अयोध्या पहुंचा। 10 दिन लगातार सफर तय करके घी पहुंचा तो कार सेवकपुरम में बैलगाड़ी का लोगों ने स्वागत किया। राजस्थान से आए लोगों ने कार सेवकपुरम में घी को चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र को सौंपा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि महाराणा प्रताप के क्षेत्र से आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आरती के लिए घी आया है। नतमस्तक हैं, कृतज्ञ हैं और साधु की भगवत प्रेरणा को और जोधपुर की धरती को, वहाँ के निवासियों को हम कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं। वही थाईलैंड के अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा में पूजन के लिए मिट्टी भी आज पहुंच गई है, जिसे महाराज गोविंद देव गिरी ने चंपत राय को भेंट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।